अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब भाई? ठीक हो, खैरत से हो? जी भाई, तो आज और एक वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके सामने। तो आज मैं आपको शो करवाऊँगा इस मादी का जो मेरे हाथ में इस वक्त है। ये जो मादी हमारे पास इस वक्त है, ये रिजल्टेड मादी है हमारे पास। ये इस बार हम इस सीज़न में भी उड़ रही थी, तो टूर्नामेंट में भी इसने स्टैम्प खाई है और उड़ा हुआ है। तो ये जो मादी है हमारे पास, इसका जो टाइमिंग थी, मैक्सिमम टाइमिंग ये हमारे पास 5-5:30 की गड़े में बैठती थी फिरतों में। और जब हमारा टूर्नामेंट चल रहा था, फड़क चल रही थी, उस दिन ये 2:10 पे बैठी है ये मादी, क्योंकि इसके पीछे बाज पड़ गया था उस टाइम पे, तो उसकी वजह से ये उस टाइम पे बैठ गई। तो मैं आपको शो करवाऊँगा इस मादी का, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये मादी पसंद आएगी। तो मुझे अपनी राय का इजहार ज़रूर करना कमेंट्स में। जी फ्रेंड्स, तो ये इसकी आइज़ आप चेक कीजिए, ये इसका आई क्लोज़अप है, ये आप चेक कीजिए। एक अच्छे परवाजी परिंदे की आइज़ कैसी होती है, आपके शौक़ के लिए मैंने लाया है इसको, कि आप इसको चेक करो और देखो कि जो परवाजी कबूतर होता है उसकी आइज़ कैसी होती है, उसके पर कैसे होते हैं, दुम कैसी होती है, किस हिसाब किताब का परिंदा होता है ये। ये इसकी आई क्लोज़अप है, आप ये चेक कीजिए, ये इसकी आइज़ है। जी तो फ्रेंड्स, ये आप इसकी पर का शौक कीजिए, ये इसका पर देखिए आप। ये मादी हमारे पास उड़ी हुई है इस बार टूर्नामेंट में भी, इसने स्टैम्प खाई हुई है। तो ये आप देखिए इसका कुंदा कैसा है, पर कैसा है इसका, आप ये देखिए पर कैसे है इसके, ट्रांसपेरेंट पर है इसके। अच्छे परवाजी कबूतर के ऐसे ट्रांसपेरेंट पर होते हैं, आप इनको चेक कीजिए, ये आप देख लीजिए। एक तो वाइब्रेशन होती है परिंदे के पर में, और नरम लचकदार पर होते हैं परिंदे के, जोड़ने वाला परिंदा होता है। आप इसका ये दूसरी साइड वाला पर भी देखिए, ये भी चेक कीजिए आप। ये इसका पर है, इसका पर आप चेक कीजिए, परवाजी कबूतर का कुंदा ऐसा ही होता है, पर ऐसे ही होते हैं। हमारी रिजल्टेड मादी है लॉफ्ट में, हमजा भाई की लॉफ्ट से ये मादी लाया हूँ मैं आपके शौक के लिए। ये इसका दुम आप चेक कीजिए आपकी, आप इसकी ये इसके पंजे आप देख लीजिए। ये इसका फुल व्यू है इसका, ये आप इसको चेक कीजिए।